हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे बज रहे हैं अभी यही रात के कुछ 9 या 8:30 का टाइम होगा। हाँ, और देखो मेरा खाना पीना बन गया है। भरे में भिंडी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और इन जनाब को रोटी नहीं अच्छी लग रही, अब चाय पकौड़े चाहिए। तो यूँ कह रहा है आज मौसम अच्छा है, बारिश हो रही, चाय पकौड़े हो तो मज़े ही आ जाए। मैंने लाओ भाई बना देते हैं चाय पकौड़े भी, दूध तो मंगा ही लिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आलू के पकौड़े बनाए थे, क्योंकि शाम का टाइम तो ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, मुझे पता है। और मुझे भी अच्छे नहीं लगते बेसन वाले जो पकौड़े होते हैं ना, इनसे मेरा मन भर गया खा खा के, इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने कहा इन्हीं के लिए बहुत है, इनके लिए बच्चों के लिए काफ़ी है। हाँ, मैंने चाय ज़रूर पी थी, क्योंकि मेरे गले में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द, तो इसलिए मैंने कहा चाय तो मैं चलो बना लेती हूँ। मैंने सोचा जब चाय ही बनेगी तो फिर पकौड़े बनाने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा है ना। तो मैंने याद नहीं 3 से 4 चम्मच बेसन लिया और थोड़ा सा घोला, उसमें एक आलू डाला और एक प्याज डाल के और एक हरी मिर्च डाल के जो है मैंने बना दिए पकौड़े। और भरे में भिंडी बनाई थी तो वो तो खाई नहीं, ये समझ लो ना के बराबर रोटी खाई। हम चारों लोगों ने 4 रोटी खाई, एक एक समझ लो। अब एक एक भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि बच्चे कहाँ इतने खा पाते हैं। और बच्चों को पता चल जाए कि चाय पकौड़े बन रहे हैं, मेरे बच्चे तो वैसे भी ना भाई रोटी खाने के, क्योंकि तो रोटी वैसे भी ना अच्छी लगती। चाय पकौड़े दे दो या कुछ बाहर का कुछ भी नया आइटम दे दो या कुछ भी बाहर की चीज़ हो, बस रोटी छोड़ के कुछ भी खिला सकते हो। और बच्चों का क्या, बड़ों का भी यही हाल है कि घर का खाना अच्छा ही नहीं लग रहा, क्या करा जाए। और ये वीडियो ना, ये क्लिप है, बुधवार की रात का है ये। तो यहाँ पर ना मैंने मतलब पकौड़े डाल दिए सिकने के लिए, और मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने कहा इनको भी हाथ के हाथ धो के ही रख देती हूँ। वैसे मैं ये सोच रही थी चलो शुक्र है आज बर्तन नहीं है, बहुत कम बर्तन है, पर लेकिन अब जब चाय पकौड़े बनेंगे तो वही बर्तन तो होने ही हैं। तो मैंने कहा लो भाई हो गई सारी कुर्सी, धरी की धरी रह गई। सोचा था कि बर्तन वगैरह कुछ नहीं है, और देखो कितने सारे बर्तन हो जाएंगे फिर। अब देखो किचन में सिंक होने का कितना बड़ा फ़ायदा होता है ना, गैस पर कुछ भी रखो, लगे हाथ देखते भी रहो और बाकी का काम भी करते रहो, तो काम जल्दी निपट जाता है, ऐसा जल्दी ख़त्म होता है। और वैसे अगर नहीं होती ना तो क्या बताओ, बाहर जाके अलग से साफ़ करने पड़ते बर्तन, फिर उठ उठ के किचन में आओ, फिर वो चीज़ नहीं होती, बार बार उठना बैठना वो नहीं होता। तो ये ठीक लगता है कि खड़े खड़े सारे काम कर लो। और यहाँ पर मेरे पास टिशू पेपर नहीं है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। मैं सोच तो रही थी टिशू पेपर लाने की, पर लेकिन अभी ला नहीं पाई, लाऊंगी मैं। और ये गई मैं बच्चों को और इनको चखाने के लिए कि नमक चेक कर करके बताओ कि कैसा है, फिर उसके बाद दोबारा डालूँ मैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों इनको चेक कराने तो जाती, लेकिन विश्वास नहीं होता कि सही बताएंगे कि, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नमक तेज़ हो या कम हो, हमेशा ये कहेंगे ठीक है। फिर भी मैं ही चेक करके आई हूँ कमरे में कि कैसा है। चाय पकौड़े हो गए हैं गर्मा गर्म तैयार, तो आप सब लोग भी पी लीजिए, हम तो चले भाई पीने। और चलिए फिर अभी वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं सुबह, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह हो चुकी है और मैं अपना वोट डालकर आ चुकी हूँ। कौन किस पर देख रहा है मुझे ज़रूर बताना, मुझे पता है कोई बताएगा तो नहीं। हो गया काम मेरा सारा, और अभी अभी खाना पीना खाया मैंने, वोट डालकर आई हूँ मैं। मेरा वोट हो गया, सुबह ही डाली आई थी मैं 8:30 बजे, क्योंकि भीड़ इतने नहीं होती सुबह के टाइम पे, इसलिए मैं सुबह चली गई थी इनके साथ में। मैंने जो बाकी के लोग जब जाते रहेंगे, मैंने कि मैं कर रहा हूँ पहले अपना काम ख़त्म। और खाने में मैंने सुबह बनाए थे आलू के पराठे नाश्ते में, तो ये तो खा कर चले गए थे। और अभी मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, उसमें एक आलू डाल दिया था, क्योंकि मुझे ना पनीर अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आलू से मैं खा लेती हूँ, बच्चे पनीर से खा लेते हैं। और रसोई मतलब रसीली वाली बनाई है सब्ज़ी, तरी वाली, क्योंकि क्या हो गया ना काफ़ी दिनों से ना सूखी सब्ज़ी खा खा के बोर हो गई हूँ मैं, तो आज मैंने रसे वाली सब्ज़ी बनाई है तरी वाली। 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको आवाज़ें भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। और जो भी आपने वीडियो देखा वो रात का था, कल रात का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। आज तो खैर
फिलहाल धूप निकली है हल्की फुल्की, लेकिन ऐसी धूप भी नहीं है क्योंकि मुझे गेहूँ धोने थे। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि धूप अच्छी निकल आए और मैं गेहूँ धो के अपने डाल दूँ। सो ऐसी धूप निकल नहीं रही अभी, मतलब आज निकली है वो भी हल्की फुल्की सी। और तो भाई मौसम अच्छा हो रहा है घूमने लायक, जो कि कहीं जा नहीं सकते अभी। तो ये लो, अभी अभी हमें आपसे कह रही थी कि जा नहीं सकते, तो बैठे बैठे बन गया है प्लान बाहर घूमने का। तो हम आए खाटू श्याम मंदिर, अपने घर के पास वाले। अब दूर नहीं जा सकते तो पास तो जा ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एंट्री करवा देती हूँ। यहाँ से मिलता है प्रसाद, आप यहाँ से भी ले सकते हो, बाहर भी स्टॉल लगी है दो दो, वहाँ से भी ले सकते हो। पर लेकिन मैंने बाहर से भी फिलहाल लिया नहीं है, अंदर से ही लिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मंदिर का नज़ारा है। तो चलिए फिर आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर अभी पट खुले नहीं हैं, बस आके बैठ गए हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पट खुलेंगे, जब उनके दर्शन हो जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी उनके दर्शन भी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ज़्यादातर लोग वीडियो बना ही लेते हैं, मना नहीं होता, लेकिन बहुत कम ऐसे होते जो मना करते हैं, पर लेकिन बना लेते हैं सब लोग। वैसे मेरे हिसाब से ना मना नहीं होना चाहिए ना फ़ोटो की ना वीडियो की, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते, अपने घर पर रहते हैं किसी काम से किसी वजह से कम फ़ोन में वीडियो में उनके दर्शन तो हो ही जा सकते हैं, देख तो सकते हैं कि बाबा लग कैसे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लंगूर भी थे, और एक नहीं कम से कम चार चार पांच पांच लंगूर थे, सभी बंधे हुए थे। बहुत अच्छे बंधे थे, बेचारे कोशिश कर रहे हैं निकलने की। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बैन वीडियो बन रही है ये तो वीडियो क्या बना रही है? ब्लॉग शुरू से स्टार्ट हो गए घर से, तो फिर ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। कौन से वाले खाटू श्याम? हाँ, जिनकी मंडी वाले खाटू श्याम। आज बहुत मन कर रहा था, वैसे हमारा अचानक ही प्लान बनता है आने का। बच्चा में भी क्या हो गया? ये कह रही है वो, ये कह रही है मुझे लंगूर के पास फोटो खिंचाना है। हो रहा बेचारा परेशान है यार, वैसे बता रहे करो वीडियो बनाने में। उई बताती हूँ, हम आए थे खाटू श्याम। खाटू श्याम क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ सच्ची में, हम खाटू श्याम आए थे। खाटू श्याम से रामबाग जा रहे थे, लेकिन रामबाग नहीं पहुँच पाए, मौसी के घर आ गए। मौसी ने ऑटो ऑटो नहीं मिले एक तो, और मौसी ने जबरदस्ती बिजली घर वाले ऑटो में बिठा के कसम देते यहाँ पे ले आई है। सच्ची में मैं आना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती लेकर आई है। और जिद जिद इच्छा ने भी गई थी, वैसे इसमें टाइम नहीं है, अब दोनों पे टाइम है, दोनों लेकर आई है मुझे। मैं नहीं आना चाह रही थी, बस हो गया मेरा आज का। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? खाली पोल खुल देंगे यहीं पे, अंदर अंदर। और यहाँ पे आप सबसे बातें करने के बाद, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। और मैंने दोनों लड़कियों से बहुत पूछा कि क्या खाना बनाएं, क्या सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन बता ही नहीं रही थी। तो मुझे याद आया कि दीक्षा को, हमारी दीक्षा ने एक सब्ज़ी सीखी है, वो भी है कढ़ाई पनीर। तो मैंने कहा चलो भैया आज कढ़ाई पनीर बनेगा। तो दोनों लड़के बोले चलो हम दोनों बनाते हैं। मैंने बनाओ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इन दोनों ने ही बनाया, और जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी टेस्टी बना था। और इन बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा था, नकुल को और इनको, इनको तो भाई अच्छा ही लगा था। तो मैंने कहा लो, बस मैंने सामान निकाल निकाल के दिया, और इन्होंने ये देखो थोड़ी सी मस्ती हो गई फिर से कैमरे के सामने। वैसे कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, और आ जाएँ तो बिना मस्ती के मानते ही नहीं हैं दोनों। वैसे एक बात है, चाहे कैसे भी आए हो, मतलब कैसे भी आ गए वहाँ से, पर खुशी और मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अच्छा लगता है हम तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं, तो सारी पागलपंती वगैरह सब कुछ होने लगती है। देखो अपनी ज़िंदगी में जियो चाहे कैसे भी, लेकिन थोड़ा बहुत पागलपंती, थोड़ा बच्चापन ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन है ना, तो खुशी का तो पता ही नहीं है कि कहाँ चलेगी सबकी। और इसलिए तो कहती कभी कभी हंस भी लिया करो। और यहाँ पर देखो खाना बनना स्टार्ट भी हो गया, रोटियाँ जो कि सीखा बोली लाओ मैं बनाऊँ, मैंने बना ले। वैसे तो अपने घर पर काम करती ना है, यहाँ पर कर ले, और करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, तो क्योंकि दो दो भाभी हैं, इसलिए जिसके घर में भाभी हो तो वहाँ पर तो भाई काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और जब देखो सब साथ में काम करते ना खड़े होकर, जब हम तीनों आपस में मिल जाए तो भाई पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया कब काम हो गया, क्योंकि हंसी मजाक होता रहता है और अपने पुराने दिन या पुरानी बातें हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो खाना पीना हमारा बनता रहेगा, तो वीडियो का एंड यहीं पर कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए बाय बाय।